अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो है 10.3 एक्सरसाइज। आज हम 10.3 को जो है ना वो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले आपने देखा कि हमने कुछ फार्मूलाज पढ़े और उससे रिलेटेड हमने जो है ना उसको जो है ना फार्मूलाज को एग्जीक्यूट करवाया 10.1 पे और 10.2 पे। आज हम लोग जो है ना वो 10.3 स्टार्ट करेंगे और उसके फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है साइन अल्फा इज इक्वल टू 12/13। अब इसी क्वेश्चन में सात कंडीशन दी गई हैं कि अल्फा जो है वो जीरो से बड़ा है और पाई बाई टू से छोटा है। इट मीन्स दैट के अल्फा आपका लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये आपका जीरो है और ये आपका पाई बाई टू है, तो अल्फा आपका इस क्वाड्रेंट में है। तो आप सबसे पहले जब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो लिख लें सिंस अल्फा lies in first quadrant। अब जब हमने जो है ना वो quadrants को discuss किया था तो अब जो alpha है वो first quadrant में lie कर रहा है, तो it means that सारी की सारी values आपके पास positive आएंगी। अब इसमें आपने करना क्या है, आपने तीन values find out करनी है, sin 2 alpha की, cos 2 alpha की और tan 2 alpha की। इससे इनको find करने के लिए आपने सिर्फ दो values find out करनी है, एक cos alpha की और एक sin alpha की। साइन अल्फा की ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दी गई है, हम जस्ट क्या करेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो कैसे करेंगे, हमें पता है कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के। यहाँ पे हम अगर साइन की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन की वैल्यू है 12/13, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर 1 माइनस 12 का स्केयर 144, 13 का स्केयर 169। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 169 माइनस 144, इस साइड पे का स्केयर अल्फा 169 माइनस 144 25/169 का स्केयर अल्फा। अब यहाँ से जब आप दोनों तरफ स्केयर रूट लोगे तो आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 25/ अब यहाँ पे आपके पास कॉस की दो वैल्यूज आई हैं, एक प्लस में आई है और एक माइनस में है। क्योंकि हमारा जो अल्फा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, तो इसलिए हम कॉस अल्फा की वैल्यू जस्ट पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। ये आपके पास कॉस अल्फा की वैल्यू काउंट होगी। अब हमने जो है ना वो तीन जो उन्होंने क्वेश्चन बताए हुए हैं कि साइन 2 अल्फा फाइंड आउट करें, कॉस 2 अल्फा करें और टेन 2 अल्फा करें, तो सबसे पहले हम लिखते हैं साइन 2 अल्फा। साइन 2 अल्फा होता है 2 कॉस अल्फा साइन अल्फा। अब यहाँ पे आप कॉस की वैल्यू भी इजीली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और साइन की वैल्यू जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई है वो भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। 2 कॉस की वैल्यू है आपके पास 5/13 और साइन की वैल्यू आपके पास 12/13। यहाँ से आपके पास 13 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 169 आएगा, 2 5 10 और 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। ये आपके पास वैल्यू आ गई साइन 2 अल्फा की। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो हो गया। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, कॉस 2 अल्फा की और tan 2 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos 2 अल्फा इक्वल होता है हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर अल्फा। यहाँ पे आप cos अल्फा और sin अल्फा की वैल्यू इजीली जो है ना वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पे cos की वैल्यू है 5/13 स्क्वायर माइनस sin की वैल्यू है 12/13 स्क्वायर। यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 25/169 माइनस 144/169। यहाँ से आप एलसीएम लें 169 25 माइनस 144 और यहाँ से आपके पास आंसर आएगा माइनस 119/169 कॉस 2 अल्फा। अब अगर आप
इसको देखें तो यहाँ पे -119/169 है, क्योंकि हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में देखा है कि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब जबकि अल्फा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका मतलब है सारी की सारी वैल्यूज हमारे पास पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ये नेगेटिव आया तो इसको आपने नेगेटिव को जो है ना वो निगलेक्ट कर देना है, जस्ट 119/169 आपका आंसर आएगा। अब इसी तरह से हमारा लास्ट है 10 to alpha। विच इज इक्वल टू 10 alpha over 1 minus 10 square alpha। अब हमने साइन और कॉस की वैल्यू फाइंड आउट की है लेकिन 10 की वैल्यू हमने फाइंड आउट नहीं की हुई, तो उसको हम कैसे करेंगे? उसको हम पहले, क्योंकि हमें पता है कि जो टेन होता है वो इक्वल होता है साइन ओवर कॉस के, तो यहाँ पे अब आप साइन और कॉस की वैल्यू को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वहाँ से आपके पास टेन की वैल्यू आ जाएगी। साइन की वैल्यू है आपके पास 12/13 और जो कॉस की वैल्यू है वो है आपके पास 5/13, तो ये आपके पास 13 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी 10 की 12/5। ये वाली वैल्यू आपने इस फार्मूला में इम्प्लीमेंट करनी। टू 10 alpha की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली है, वो आएगी 12/5, 1 minus 10 square है तो इट मीन्स दैट 12/5 का स्केयर। अब इसी तरह से इसको आप जब सिंपलीफाई करोगे तो जो है ना वो 2 को मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो वो 24/5 आएगा, और 1 माइनस उसका 12 का स्केयर लोगे तो वो करेगा। अच्छा जी, वहाँ से हमारे पास 2 को जब 12 से मल्टीप्लाई करके 24/5, और डिनोमिनेटर में आप जब उसको लिखोगे तो 1 minus 144/25, यहाँ से आप इसका एलसीएम लें तो 25 minus 144, जब माइनस करोगे तो ये आएगा -119/125। इसको जब आप लिखते हो 10 to alpha 24/5 मल्टीप्लाई 25/-119, 5 ones are 5, 5s are 5 की जब आप 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 120/-119, ये आएगा 10 to alpha। अब चूँकि ये आंसर हमारे पास नेगेटिव आया है और अल्फा हमारा जो है वो लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इट मींस दैट हमारे पास आंसर पॉजिटिव आना चाहिए था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10 to alpha is equals to 120/119। इसी तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, cot alpha minus tan alpha is equals to 2 cot 2 alpha। cot alpha minus tan alpha, cot alpha equal होता है आपके पास cos alpha over sin alpha, और minus tan alpha equal होता है sin alpha over cos alpha। यहाँ से जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस को जब कॉस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा, और साइन को साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में फार्मूला डिस्कस किया था कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, जो कि इक्वल होता है कॉस 2 अल्फा के, नीचे आ गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब हमने प्रूव करना है
टू कॉट टू अल्फा, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय टू। टू से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है, टू कॉस टू अल्फा ओवर टू साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब ये भी फार्मूला जो टू साइन अल्फा कॉस अल्फा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है, तो यहाँ से कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इक्वल आएगा, ऊपर आपके पास है टू कॉस टू अल्फा, नीचे फार्मूला बनेगा साइन टू अल्फा का। अब आपको पता है कि जो कॉट होता है वो कॉस ओवर साइन होता है, तो यहाँ से जब आप करोगे टू इन टू कॉस टू अल्फा ओवर साइन टू अल्फा, तो कॉस ओवर साइन इक्वल हो जाएगा आपके पास कॉट टू अल्फा के। यहाँ से आपका क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा, कॉट अल्फा माइनस टेन अल्फा इज इक्वल टू टू कॉट टू अल्फा। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सिक्स है, वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा, हमने शो करवाना है साइन अल्फा बाय टू प्लस ओवर अब ये क्वेश्चन नंबर सिक्स है हमारे पास, वन प्लस साइन अल्फा ओवर वन माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू डिवाइडेड बाय साइन अल्फा बाय टू माइनस साइन कॉस अल्फा बाय टू। ये हम लोग जो है ना वो प्रूव करेंगे, तो इसका प्रूफ देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अब हमने, चूँकि हमें पता है कि जो वन होता है वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू वन होता है, तो हमने वन की जगह पे अब हमने यूज़ किया है साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू। ये क्यों किया है, क्योंकि जब आप अपने प्रूफ की तरफ देखें जो राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास साइन अल्फा बाय टू और कॉस अल्फा बाय टू है, इससे कोई जो है ना वो हर्ज नहीं है कि आपने जो है ना वो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ही वन के इक्वल होता है, एंगल सेम होना चाहिए हो जो मर्जी। तो साइंस वन की जहाँ पे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसी तरह से साइन अल्फा। अब अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन में जाएँ तो ये लिखा हुआ था टू साइन अल्फा कॉस अल्फा इक्वल होता है साइन टू अल्फा के, जब यहाँ पर टू आएगा तो यहाँ पर अल्फा के साथ वन वन आएगा, तो जब यहाँ पे आपके पास वन आएगा तो यहाँ पे अल्फा के साथ हाफ आ जाएगा, मतलब हाफ वैल्यू, इसे बोलते हैं हाफ एंगल। तो साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू और साइन अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू। सिमिलरली हमने डिनोमिनेटर में भी वन की जगह पे साइन स्क्वायर अल्फा बाय टू प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाय टू माइनस साइन अल्फा की जगह पे टू साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू लिखा है। अब अगर आप इसको गौर से देखें तो ये फार्मूला बनता है साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है आपके पास, और नीचे भी सिमिलरली फार्मूला बनता है साइन अल्फा बाय टू माइनस कॉस अल्फा बाय टू का होल स्क्वायर। अब आपने एक चीज़
पड़ी हुई है कि जो है ना वो अलग अलग, अब देखिए स्केयर दोनों के ऊपर है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, स्केयर रूट अलग अलग जो है ना वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अलग अलग स्केयर रूट अप्लाई करेंगे, साइन अल्फा बाय टू प्लस कॉस अल्फा बाय टू होल स्केयर, इसी तरह से साइन अल्फा बाय टू माइनस कॉस अल्फा बाय टू होल स्केयर। जी हमारा स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो आपका प्रूफ है वो आ जाएगा साइन अल्फा बाय टू कॉस अल्फा बाय टू साइन अल्फा बाय टू माइनस कॉस अल्फा बाय टू, और ये आपकी राइट हैंड साइड थी। इसी तरह से अब हम लोग जो है ना इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, जो कि इक्वल है कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा ओवर साइन थीटा इक्वल होता है 4 कॉस 2 थीटा के। इसको अब आप लोगों ने प्रूव करना है, तो इसको प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लें, कॉस 3 थीटा कॉस थीटा प्लस साइन 3 थीटा साइन थीटा। जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा कॉस थीटा साइन थीटा। अच्छा, यहाँ से हमारे पास एलसीएम आता है कॉस थीटा साइन थीटा, साइन थीटा जब कॉस थीटा 3 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो वो आएगा कॉस 3 थीटा साइन थीटा, दरमियान में प्लस, फिर कॉस थीटा को साइन 3 थीटा से मल्टीप्लाई करोगे वो आएगा साइन 3 थीटा कॉस थीटा। ये आपके पास फार्मूला बनता है साइन थीटा प्लस 3 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा, थीटा प्लस 3 थीटा 4 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। साइन 4 थीटा इक्वल होता है 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपने जो प्रूफ करना है वो आपके पास है 4 कॉस 2 थीटा, तो अब आप यहाँ पे क्या करें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दें, तो यहाँ से हमारे पास आएगा, ऊपर आ जाएगा 4 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा ओवर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इस फार्मूला को प्रीवियस हर क्वेश्चन में यूटिलाइज कर चुके हैं, तो ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के, यहाँ से आपके पास साइन 2 थीटा से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग आपके पास आंसर आ जाएगा 4 कॉस 2 थीटा, और ये आपके पास राइट हैंड साइड है। अच्छा जी, इसी तरह से हमारे पास जो हमारी एक्सरसाइज 10.3 है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये आज का लेक्चर था हमारा, शुक्रिया।